दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में आने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उसे साकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं गौरव चड्ढा आज आपसे बात करूंगा ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में जिसने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में नाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संजना सांगी की। दोस्तों, संजना सांगी हाल में ही दिल बेचारा मूवी में लेंट सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखने को मिल रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं संजना सांगी के बारे में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1996। 2 सितंबर 1996 को जब संजना सांगी का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम संदीप सांगी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी माता का नाम सगुन सांगी है जो कि एक होम मेकर हैं। उनका एक भाई भी है समर सांगी जो कि गूगल में काम करता है। संजना सांगी की स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से हुई। संजना सांगी ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में लेडी श्रीराम कॉलेज से डिग्री भी हासिल कर रखी है। वैसे तो संजना काफ़ी एक्टिव थी, वो हर जगह अपना टैलेंट खोजती रहती थी। और एक दिन वो अपना टैलेंट खोजते खोजते एक ऑडिशन में पहुंची जो कि 2011 में रिलीज हुई रॉकस्टार मूवी का था। और उन्होंने ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई और यहीं से उनकी फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई। ताजुब की बात तो यह है कि उस समय वो सिर्फ 14 साल की थी और इनकी लाजवाब एक्टिंग की वजह से उन्हें कई एड्स के ऑफर आए जैसे कोका कोला, कैडबरी, मिंत्रा, एयरसेल, डाबर और भी कई सारी। और इन्हीं एड से संजना सांगी लोगों की नज़रों में आने लगी और वहीं से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इसके बाद वो स्ट्रगल करती रही और 2017 में उन्हें मिली हिंदी मीडियम जिसने उनके करियर को बूस्ट किया और फिर साथ ही साथ उन्हें फुकरे रिटर्न्स भी मिल गई। अभी तक संजना सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर रोल कर रही थी, लेकिन 2019 में उन्हें लीड रोल मिला, वो भी दिल बेचारा मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ। दिल बेचारा मूवी रीमेक है हॉलीवुड मूवी की द फॉल्ट इन अवर स्टार्स जो कि 2012 की एक नोवेल से प्रेरित है। संजना सांघी अभी बुलंदियां छू ही रही थी, लेकिन इन्हीं बीच जून 2020 में उनके को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड की खबर आई जिससे उन्हें बहुत झटका लगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो इस दुख से जल्द ही बाहर आएंगी और अपना करियर कंटिन्यू करेंगी। और अभी तो वैसे भी उनकी सक्सेस की शुरुआत है, सिर्फ 24 साल की उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, आगे जाकर तो वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनेंगी। तो दोस्तों, यह थी संजना सांगी की बायोग्राफी। अगर आप संजना सांगी की लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। अगली बायोग्राफी आप किसके ऊपर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।